स्ट्रॉन्ग हैकर्स। आज मैं ऐसे दो इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन का लिंक में जाके डाउनलोड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। जो पहला एप्लीकेशन है वो है ब्लैक मार्ट, जो बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है। तो उसको पहले क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ये देखिए ब्लैक मार्ट ओपन हो चुका है। तो आप ब्लैक मार्ट की मदद से कोई भी प्रीमियम एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोई प्ले स्टोर से। मतलब आप प्ले स्टोर का कोई भी एप्लीकेशन, आप कोई भी पैड एप्लीकेशन आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं ब्लैक मार्ट की मदद से। तो चलिए मैं पहले प्ले स्टोर में जाता हूँ। प्ले स्टोर में एमएक्स प्लेयर प्रो सर्च करते हैं, तो देख सकते हैं प्ले स्टोर एमएक्स प्लेयर प्रो का प्राइस दिखा रहा है कि 370। तो उसको चलिए ब्लैक मार्ट में जाके सर्च करते हैं एमएक्स प्लेयर प्रो। तो ये देखिए एमएक्स प्लेयर प्रो G2 इंटरेक्टिव का ही है, तो इसको इंस्टॉल करते हैं। डाउनलोड हो रहा है, चलिए डाउनलोड हो चुका है हम लोग का, अभी इंस्टॉल करते हैं इसको। देखिए MXPlayer Pro इंस्टॉल हो चुका है, तो उस पर डन करते हैं। तो अभी हम लोग जाते हैं हम लोग का नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में। जो हम लोग का नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है ब्रेव ब्राउज़र। आप इजीली इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले क्या करना होगा, प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर ओपन हो रहा है, नेट काफ़ी स्लो है शायद। तो प्ले स्टोर सर्च करते हैं ब्रेव प्राइवेसी ब्राउज़र। तो मेरा पहले से ही डाउनलोडेड है, तो इसको ओपन करते हैं। जनरली आप क्रोम, ओपेरा, यूसी ब्राउजर, मोजिला यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा एड्स का प्रॉब्लम होता है। यूट्यूब में भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है एडवर्टाइजमेंट से। तो आप अगर ब्रेव ब्राउजर से ब्राउजिंग करते हैं तो कुछ भी एडवर्टाइजमेंट शो नहीं करेगा। तो देखते हैं यूट्यूब ऑन करके, YouTube मैं अगर इस वीडियो को प्ले करता हूँ, देख सकते हैं नेट काफी स्लो है। तो हम भी चलते हम लोग, तो आप देख सकते हैं ये 184 एड्स ब्लॉक कर चुका है। तो ब्रेव ब्राउज़र यूज़ करके बहुत अच्छे खासे USD कमा सकते हैं। तो उसको कैसे USD कमा सकते हैं, तो उसे जानने के लिए आप हम लोग का नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो उससे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए।